वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करें ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर मंडी में जो पोस्ट निकली है उसके बारे में, जिसकी स्टार्टिंग डेट है आपकी 10 फरवरी 2020 और लास्ट डेट है आपकी 25 फरवरी 2000 इसके बारे में, जो कि आपकी 6 वैकेंसी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, और क्लास थर्ड के लिए ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है आपके पास 7th पोस्ट फॉर PN है, और क्लास फोर के लिए है जो कि डेली बेसिस के ऊपर लगेंगी, और जो पर्सन डिसेबल हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। पोस्ट के बारे में, जो कि 6 पोस्ट है आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जिसके 2 पोस्ट हैं आपके पास जो विजुअल पर्सन डिसेबल हैं उनके लिए, और जो हियरिंग डिसेबल हैं उनके लिए, और जो फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए, और स्पीच एंड जो लैंग्वेज डिसेबल हैं उनके लिए 2 पोस्ट हैं। तो उसके बाद है आपके पास सेकेंड पोस्ट जो है PN के लिए, वो है आपकी 7 पोस्ट जो कि आप डेली बेसिस के ऊपर लगेंगे, जो कि एक पोस्ट है आपकी जो कि विजुअल इम्प्रेस्ड पर्सन है, जो पर्सन विजुअली डिसेबल है उसके लिए, और जो 2 पोस्ट हैं आपकी जो पर्सन सुन नहीं सकते उनके लिए, और 2 पोस्ट हैं आपकी जो पर्सन फिजिकली डिसेबल है, और 2 पोस्ट उनके लिए जो स्पीच और लैंग्वेज में डिसेबल है पर्सन और मेंटली इलनेस है उनके लिए PN की, जो कि क्लास 4th लेवल के लिए के बारे में, जो आपका 6,000 से 20,200 के बीच में है, प्लस आपको 1950 रुपये ग्रेड पे मिलेगा जो कि JOA के लिए है, और उसके बाद आपका जो PN के लिए है वो 250 रुपीज़ पर डे आपको मिलेगा, जो कि डेली बेसिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि आपकी क्लास 3rd पोस्ट के लिए वो है 10th+2 पास होना चाहिए पर्सन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, और जो पर्सन JOA के लिए लगेगा उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड, जो कि क्लास 4 के लिए वो पर्सन मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड के बारे में, जो कि आपके पास मिनिमम एज है 18 ईयर और मैक्सिमम एज है 14। करने के लिए आपको HP Mandi Recruitment पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर आपको भरने के बाद उसको आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट उस पर अटैच करके जो भेज देना है ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी HP, इसके आप ऊपर आपने भेज देना है, जो कि 25 फरवरी 2020 से पहले पहले वहाँ पे प्रोसेस आपकी होगी स्क्रीनिंग टेस्ट के बेस के ऊपर, और उसके बाद आपकी क्लास 3rd पोस्ट के लिए आपके जो शेड्यूल एंड वेन्यू ऑफ टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका अपलोड हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफिस की ऑफिशियल साइट पे। ये थी फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी जो भी ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर मंडी में पोस्ट निकली है उसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से रिकमेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।